हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूक टीवी और मैं हूं आपके साथ दर्शना गणतराज। आज की खास खबर है मारवाड़ से, जहां अउवा में हुआ पैनोरामा का उद्घाटन। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील के अउवा गांव में पैनोरामा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सुगाली माता को नारी शक्ति की प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को अउवा में बने पैनोरामा के उद्घाटन समारोह में कहा कि सुगाली माता नारी शक्ति की प्रतीक है। अउवा सन 1857 की अमर क्रांति का गवाह रहा है। राजस्थान सरकार ने 160 साल बाद फिर से गांव को उसका स्वाभिमान लौटाया है। यहां मां सुगाली की प्रतिमा फिर से स्थापित करके और इस भव्य पैनोरामा को स्थापित करके उन्होंने गुरुवार दोपहर उसका उद्घाटन किया। उससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे रन कपूर से हेलीकॉप्टर में रवाना होकर अउवा हेलीपैड पहुंची। यह राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत समेत अउवा राजघराने और जिले के कई ठिकानों के मुखियाओं को सीएम राजे का स्वागत किया। राजे ने कहा कि ये पहली सरकार है जिसने वादा पूरा किया है। सभा को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि जनता की सेवा करना हमारा काम है। जनता का हिसाब देने के लिए गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। मांगे तो हमेशा रहेंगी। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली सरकार है और खंडित मूर्ति को वापस लाना बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार को ये मौका मिला कि अउवा में पैनोरामा स्थापित हो। पेयजल के समाधान के लिए कहा कि जवाई जल परियोजना में अउवा से जोड़ दिया गया है। इस दौरान उन्होंने मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए कार्यों को भी गिनवाया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल, जिला प्रमुख पेमाराम सीरवी, विधायक केसाराम चौधरी, पंचायत समिति प्रधान सुमेर सिंह कुंपावत समेत कई पदाधिकारी और नेता उपस्थित थे। इसके साथ ही पूरे पैनोरामा में सन 1857 के महान क्रांतिकारियों का सचित्र वर्णन भी किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए पैनोरामा में उन वीर क्रांतिकारियों की प्रतिमा स्थापित की गई है जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध किया था। साथ ही पैनोरामा में 24 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 दिन की न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट मार्शल कर बंदूकों से घायल कर दिया था और मौत के घाट उतार दिया था। हिंदुस्तान की ऐसी पहली घटना अउवा में घटी थी। इसके साथ ही 1857 का राजस्थान का इतिहास भी पैनोरामा में नजर आया। मां सुगाली की प्रतिमा और पैट्रिक लॉरिश की प्रतिमा भी पैनोरामा में नजर आई। और गौरव यात्रा से जुड़ी और देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।